हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा नौवीं विषय गणित की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए, ठीक है। एज अ सिंपल पेपर आपको इस क्वेश्चंस जितनी भी आपको दिखाया जा रहा है उसको ले सकते हैं, क्योंकि सभी स्कूलों के जो क्वेश्चंस है लगभग अलग अलग रहेगा, बट जो भी पैटर्न है, जो भी मॉडल पेपर है, मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो पेपर है वो अच्छे से बन पाए, आप अच्छा से अच्छा प्रेजेंट कर पाओ, क्योंकि इसी पैटर्न पर ही आपका एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसकी जो भी निर्देश है कि कौन से क्वेश्चंस कितने अंक वाली, सबको पढ़ लेना अच्छे से, वैसे मैं बता दूंगा, डोंट वरी। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट सही विकल्प चुनकर लिखे, तो जिस जिस पार्ट से एक नंबर का आता है उसी पार्ट से इसको फुल्ली लिया गया, तो आप लोग उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। देखो 9875 का बीजांक क्या होगा उसको करना है, तो बीजांक के लिए आपको सबको इसको प्लस कर देना है, एक अंक आने तक फिर आंसर आपको पता चल जाएगा। निष्ठ प्रतिवर्ती कोण का माप कितना होता है उसको आपको लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इस पर देखो समीकरण 2x-3 = 7 का हल क्या होगा उसको आपको लिखना है। तो ये सिंपल है, 2x-3 = 7 ऐसे दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 2x = उस 3 को भेजोगे तो 7 × 3 = 10 इस तरीके से होगा। x = 10/2 मतलब ये कितनी आ जाएगी आंसर, 2 × 2 = 2, 5 = 10, तो x = 5 इसकी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है, मतलब हम कोई किसी वस्तु को बेच रहे, कोई सामान को बेच रहे, तो अगर सामान द्वारा वो कुछ सरकार द्वारा अगर उस पर कर लगाते हैं तो उसको आयकर बोलेंगे कि बिक्री कर बोलेंगे कि सीमा कर की चुंगी कर, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, बिक्री कर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हम लोग बेच रहे उसको, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो जो आर एश वाली जो है ऐसा कोई सा भी हमारे में हमने कसौटी नहीं पढ़ रखे है, ठीक है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में भी आपको अच्छे से कर लेना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भी आपका आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। तो दो अंकों, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच खाली स्थान संख्याएं होती है उसको लिखना है। फिर यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती तो प्रति वर्ष ब्याज की दर खाली स्थान होगी उसको करना है। वह मूल बिंदु जिसके आधार पर किसी कृति को घुमाया जाता है तब क्या कहलाता है उसको करना है। फिर एक समपंचभुज में खाली स्थान सममित अक्ष होते हैं उसको लिखना है, इस तरीके से ऐसे बना लेना है समपंचभुज। फिर उसमें कितने सममित अक्ष हो सकते हैं कि इस तरीके से लाइन खींचेंगे कि वो दोनों तरफ से सेम दिखे, है ना, तो कितने ऐसा खींचा जा सकता है उसको लिखना है। फिर 10-90° का मान कितना होगा उसको आपको कर लेना है फिफ्थ क्वेश्चन में, क्लियर है। फिर आपका अगला जो आएगा इसी में स पर सत्य असत्य आएगा, तो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। फिर पांचवा भी आ गया, यहाँ पर अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है कि नहीं उसको आपको लिखना है। अब देखो यहां से आपका 2 से लेकर के आपका प्रश्न क्रमांक 6वां तक ये क्या होती है, आपका दो दो अंक वाली क्वेश्चन होती है, ठीक है। जिस जिस पार्ट से आया है उसी पार्ट से ही आपके टीचर्स आपको पूछेंगे, ये कंफर्म है। क्वेश्चंस की ये थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं बट पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इसी के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। तो समीकरण 2 sin θ - 1 = 0 को हल करने, यहाँ पर जो थीटा का है कुछ ना कुछ डिग्री में जो है उसका वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, मैं यहाँ 30 लिख दूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 30 ही आएगा। फिर यदि पी ऑफ एक्स बराबर, देखो यहाँ पर क्या दे रखे आपको कि पी ऑफ एक्स, ठीक है, कि पी ऑफ एक्स बराबर x^2 - 2x, तब पी ऑफ 0 और पी ऑफ 2 निकालना, ये बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ये अंदर की चीज़ें जो चेंज हो सकती है बट यही पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 ही निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो सममित रेखाएं वाला पार्ट है वहां से दो अंक के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस तरीका से ही क्वेश्चंस उसमें से पूछा जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे आपको, तो इसको कर लेना। फिर नेक्स्ट आपका दो अंक वाली ये वाली, देखो यदि एक वृत्त का व्यास दे रखे हैं परिधि एवं क्षेत्रफल, इसमें से दोनों में इसको एक ही पूछेंगे एग्जाम में, आप या इधर आपको परिधि पूछ सकते हैं और आपको क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, क्योंकि दो अंक के लिए दोनों को शायद ही पूछेंगे, तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए वृत्त की परिधि का और वृत्त के क्षेत्रफल का, क्लियर। फिर एक घन की, तो देखो घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो उसकी आयतन, तो आप घन की आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों चीज की घन और घना आप तीनों के लिए कन्फर्म कर लो, फिर आपका यहाँ नंबर जो है कन्फर्म
हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवां से जो दसवां आपकी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो आप लोग, ये आती है तीन तीन अंक वाली। तो इन तीन तीन अंक वाली यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के आधार पर जिस जिस पार्ट से आया है उसी पार्ट से ही पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन करके आओ। फिर ग्यारहवां आपको पता है आपकी अथवा स्टार्ट हो जाती, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 950 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को कितना में बेच देते हैं भाई, 760 रुपए में बेच, तो बट्टा निकालना है और बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करना है चार अंक के लिए। अगर आपको इसे नहीं बनाना है तो नीचे वाले क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। सरिता ने कूलर को 15% कर सहित उस पर कर मतलब टैक्स जो है लगाने के बाद से उनको 5,750 रुपये में खरीदे, तो कर के जुड़ने से पहले उस कूलर का मूल्य क्या रहा होगा उसको आपको करना है, क्योंकि कर जुड़ने के 15% कर जुड़ गया तब उसको हो गया उतना, तो उसमें से 15% कर को हटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते बारवा का, देखो त्रिकोणमिति से सिमिलरली इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये। ठीक है, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस भी देखा हूँ जो बहुत अलग अलग स्कूलों का हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये मॉडल्स पेपर जो है मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ ताकि आपकी जो हेल्प अच्छे से हो पाए, सटीक मॉडल पेपर जिसके आने के मैक्सिमम चांसेस है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से त्रिकोणमिति पार्ट से कर लेना है अच्छे से। फिर प्रश्न क्रमांक 13 देखो, एक घनाभ, तो फिर से वो आपका 13-14 पार्ट चला जाएगा, है ना, 14-15 पार्ट, तो वहां से आपको एक क्वेश्चन पूछना है, पूछा ही जाना है, तो वहां से भी इन सब चीज को कंफर्म कर लेंगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 14 चार अंक वाली लास्ट क्वेश्चन देखो, इस पर क्या करना है आपको, आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है, तो इसके लिए नीचे इसका आयत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों की क्वेश्चन स्टेप्स आपको पूछा जा सकते हैं, उसको कर लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से एक आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में, मैं बहुत से क्वेश्चंस में देखा हूँ जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस कॉमन थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चंस को करके ही जाएंगे। ये आपको बुक में सॉल्यूशन है इसका, 2 से 4 लाइन 5 लाइन में बन जाती है, बुट्टी बड़ी नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है इसके। फिर प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में ये वाली क्वेश्चंस पेपर कॉमन था, मैं देखा हूँ, इसलिए इसको कर ही लेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। ठीक है, इसको कर ही लेना आप लोग 5 अंक के लिए। फिर 6 अंक वाली क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चंस देखो, ये दोनों इसमें से भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है ताकि आप एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट देकर आओ। ये मूल मध्य बिंदु प्रमेय, तो इस प्रमेय को लिखना भी और उसको सीध भी करना, इसकी भी उदाहरण नंबर भी ये उदाहरण में ये मिल जाएगा आपको। देखो 3 त्रिभुजों का कोण इतना दिया हुआ है, फिर उसमें प्रत्येक कोण का जो मान निकल, क्योंकि यहाँ पर एक से एक्स में दिया तो उस एक्स का मान निकलोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट 2 क्वेश्चंस देखो, ये आपके ठीक है 6 अंक के लिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण से 25 अंश अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने, ये भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। फिर इस तरीके से क्वेश्चंस, विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो उनकी आयु को जो है ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो आपका 18 क्वेश्चन जो सिमिलरली जिस पार्ट से आया गया, जिस टाइप से क्वेश्चन आया, आप लोग देखना आपके एग्जाम में सिमिलरली इसी पैटर्न पर ही पूछा जाएगा। आप लोग की तैयारी नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, क्योंकि इसी में से लगभग आपका 30-40 नंबर्स जो है लगभग पूछा ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस भी चैप्टर से लिया गया वो इंपॉर्टेंट ही है ये। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर किसी भी प्रकार के डाउट आती है तो आप बताओ भाई, हम उसके आंसर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी कोशिश करेंगे, आंसर्स मतलब मैथ्स की सॉल्यूशन बोर्ड पर आपको बता पाए, जिस भी चैप्टर को नहीं आ रहा है समझ उसको हम बता पाए। ठीक है, तो फिर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th की पूरी जर्नी आपको इसी चैनल के साथ करनी होगी, पूरी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।